উদারবন উদারবন কালীবাড়ি রোড সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি। So hey guys, good morning. So welcome back to my channel SB Pritam Vlogs. So guys, मैं आज कहीं जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहा हूँ जानने का बहुत एक्साइटमेंट है ना आप लोग। चलिए मेरा ये वीडियो पे आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ रहिए और बहुत मस्ती करेंगे वहाँ पे जाके। अगर मेरे साथ नहीं जा पाएंगे तो नहीं देख सकते। तो चलिए हम आज जाते हैं। चाय वाय पीते हैं, सुबह कुछ नहीं खाया तो बन चल रहे चाय पियेंगे। चाय आ गया ये बता दिएंगे। तो है गाइस, तो हमने चाय पी लिया। सामने मैंने बोला था ना प्रीतम है, तो ये है प्रीतम। तो हम आ गए हैं कहाँ, छोटा केदारनाथ है। केदारनाथ देखिए, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये है केदारनाथ। सो ये बढ़िया लगा मुझे, तो पूरा ओरिजिनल वाला लुक्स लग रहा है। अरे केदारनाथ क्या चाहते हो? क्योंकि यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी है, तो कोई बात नहीं, मैं बाहर से ही आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसका व्यू अच्छे से देखिए, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है केदारनाथ का जो जाने का रास्ता। हमारा केदारनाथ थोड़ा ज्यादा वो था, बड़ा था, लेकिन ये रास्ता बहुत छोटा होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवेश निषेध। तो ये है बर्फ, चारों तरफ है, दोनों साइड में बर्फ है, और इधर से आप लोग को जाएंगे छोटा केदारनाथ। तो मस्त लगा मुझे, और लाइटिंग भी है, तो आप लोग देख ही सकते हैं लाइटिंग्स का कुछ सिस्टम किया हुआ है। तो इसका ऊपर लिखा भी है केदारनाथ। ऐसा फील हो रहा है कि मैं सच में मैं केदारनाथ में। कंप्लीट करेंगे, अभी अनकम्प्लीट है, क्योंकि अनकम्प्लीट के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि अंदर जाने के बाद ये कंप्लीट होगा। लेकिन ये सॉरी, ये केदारनाथ नहीं है, ये कुछ केदारनाथ के जैसे ही है। हम इसमें जब आएंगे तो मैं अच्छे से आप लोगों को ये एक्सप्लोर करेंगे। तो ये है मेरा पूजा का सीरीज नंबर। तो गाइस हम लोग चलते हैं और दूसरा डेस्टिनेशन पे, और वहाँ का भी पूजा बहुत गर्म है, बिग बजट का पूजा है। हम वही चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे, वहाँ का कुछ नज़ारा। आ गए हैं और एक डेस्टिनेशन बोला था पहले, बिलपार। तो ये बिलपार का पूजा है, सबसे बिग बजट का पूजा है। ओह माय गॉड, तो इसका अंदर हम जाएंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को इस ग्राउंड का पूरा व्यू दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं, साइड में पूरा पानी का पानी है। यहाँ पे एक स्टेज बनाया हुआ है जो बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे बैठने का पूरा दिखा दे। एक साइड पे पूरा इस साइड में पूरा बैठने का, यहाँ पे आदमी लोग आके यहाँ से अच्छे से व्यू देखेगा जो फ्रंट का, जो फ्रंट में बहुत बढ़िया लग रहा है। ये नज़दीक में बीच में देख रहे हैं कुछ, तो लग रहा है कि बहुत बढ़िया लगेगा। चलिए हम अंदर लेके जाते हैं आप लोगों को अंदर जाने का। तो अंदर में जाके देखते हैं कि क्या है अंदर। ऊपर में एक चीज़ देख रहा हूँ, लेकिन वो पता नहीं है वो क्या चीज़ है। तो हम जब आएंगे तब पता चलेगा। ओ भैया मुझे पता है, भगवान शिव है। अच्छा, बहुत तेज हो रहा है। ओ वाह वाह, क्या लग रहा है, क्या नजारा है। तो देख सकते हैं, तो देख समझ आ रहा है। ये माँ का मंदिर, इधर से आप उधर से आए हैं, इधर से निकलेंगे। जो अंदर में ऐसा लग रहा है कि ये रियलिटी में एक पहाड़ के नीचे में गुफा के टाइप कुछ माहौल टाइप कुछ लग रहा है। तो आप लोग यहाँ पे जरूर आइएगा भाई, सचिन बहुत मस्त वाला मतलब और बहुत सारा माँ का प्यार यहाँ से लेके जाइए। तो चलते हैं आगे, यही एग्जिट। तो गाइस मैं एक चीज इतना भूल गया, तो ये गाइस है, ये जो अभी बंद है फिलहाल के लिए बंद है, ताकि इस टाइप में जाके आप फोटो शूट कर सकते हैं, वो भी नज़दीक से। तो कैलाश पर्वत का वो फोटो जो है वो शूट कर सकते हैं आप इस टाइप में जाके। तो बहुत सारा लाइटिंग लगा हुआ है, जो आप लोगों को दिन में मैं आप लोगों को कुछ दिखा नहीं सकता हूँ। यार जो आएगा वो तो मज़ा लेके ही जाएगा। कंट्रोल। सो गाइस, तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगा। जो मैं जितना भी दिखाया हूँ और मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।